नमस्कार, आपका राम श्री कुंडली दर्पण में स्वागत है। धन की समस्या, कर्ज से मुक्ति, व्यापार में सफलता, तंत्र बाधा, रोग से मुक्ति, विदेश यात्रा, संतान का सुख, पितृ दोष, मांगलिक दोष, ग्रह शांति, कुंडली मिलान व वास्तु परामर्श के द्वारा सभी समस्याओं का समाधान पाए, एक भरोसा जिंदगी बदल दे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पंडित करमवीर अनुरागी आपका अपने YouTube चैनल राम श्री कुंडली दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने दर्शकों को एक ऐसे लॉकेट के बारे में जानकारी दूंगा जो बहुत ही चमत्कारिक है, बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही बेमिसाल है। ये एक ऐसा लॉकेट है अगर जिसका निर्माण आप लोग करवा लेते हैं तो आजीवन अपने शत्रुओं से बचाव होगा उनका। कोई भी शत्रु आपको परेशान नहीं करेगा, कितना भी दमदार शत्रु क्यों ना हो, आपके सामने आते ही भीगी बिल्ली बन जाएगा और थर थर कांपेगा। आपकी बात को कोई काट नहीं सकेगा। आप जिस किसी भी मीटिंग में जाएंगे और ऐसी स्पीच देंगे कि वहाँ के लोग बात आपसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकते। ये इस तरह का एक लॉकेट है। इस लॉकेट को पहनने से आपके अंदर अद्भुत आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है, अद्भुत ज्ञान जग जाता है, आपका दिमाग बहुत बेहतर तरीके से कार्य करने लगता है, आपको चारों तरफ से प्रशंसा ही मिलती है और आप सोच भी नहीं सकते आपको इसके कितने आश्चर्यजनक रूप से परिणाम आपके सामने आएंगे। जब आप इस लॉकेट को विधि विधान से विधि पूर्वक धारण करेंगे तो आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार हो जाएगा। आप अपने अंदर उस शक्ति को महसूस करेंगे, उस पावर को महसूस करेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे वो बेहतर से बेहतर होगा, उसके परिणाम आश्चर्यजनक रूप से आपके सामने आएंगे और आप अनुभव करेंगे। आपको रोज नया नित्य अनुभव होगा। आप जहां भी जाएंगे वहां के लोग आपसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते। आपके अंदर इतना आत्मविश्वास जाग जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये इस तरह का अद्भुत लॉकेट है। इस लॉकेट के निर्माण के लिए आपको किन वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको 10 ग्राम चांदी का एक लॉकेट सुनार से बनवाना पड़ेगा। लॉकेट किस तरह का होगा, लॉकेट मैं आपको दिखाता हूं। लॉकेट इस तरह का बनवाना है आपको। इस तरह का लॉकेट आप 10 ग्राम चांदी में किसी भी सुनार से शुभ मुहूर्त में बनवा लें। लॉकेट का निर्माण करवाने के बाद ओम नमः शिवाय के जाप के आपको 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है या किसी विद्वान से इन मंत्रों का जाप करवाकर उसका दशांश हवन करवाकर इस लॉकेट को अभिमंत्रित आपको करवाना है और उसके बाद सोमवार के दिन अपने नज़दीक के मंदिर में जाकर शिवलिंग से 3 बार टच कराकर और कुछ दक्षिणा भोले बाबा को अर्पण कर और उनका आशीर्वाद लेकर इस लॉकेट को आपको गले में धारण करना है। लॉकेट धारण करते ही आपके अंदर भोले बाबा की आश्चर्यजनक रूप से जो शक्ति है वो आपको प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपका शत्रु जो आपके शत्रु हैं वो शांत हो जाएंगे। जैसे भी आप शत्रु के सामने जाएंगे उसका मुँह बंद हो जाएगा, उसका स्तंभन हो जाएगा मुँह का, और वो आपका कोई बुरा नहीं कर सकेगा, अहित नहीं कर सकेगा। अगर कोई आपको जादू टोना या कोई तंत्र क्रिया आप पे करता है वो वापस लौट जाएगी, उसकी कोई भी क्रिया आप पर नहीं चलेगी। आप चारों ओर से सुरक्षित रहेंगे, सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी, आपके शत्रुओं का नाश होगा, उनका क्षय होगा और उनके मन में आपके लिए मित्रता का भाव पैदा हो जाएगा। जो आप अगर किसी जॉब पर आप काम करते हैं तो वहाँ जो आपके विरोधी लोग हैं वो आपसे मित्रता करने के लिए आतुर हो जाएंगे, वो लोग आपसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते। इस लॉकेट में इतना चमत्कारिक असर है, जिसे आप धारण करेंगे तो आपको आश्चर्यजनक रूप से लाभ ही लाभ मिलता चला जाएगा। इसके परिणाम बहुत ही लाभदायक ही मिलेंगे आपको। इसलिए इस लॉकेट को बनवाइए, इसे धारण कीजिए और अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार आप खुद महसूस करेंगे। ये लॉकेट बहुत ही अलौकिक और बहुत ही सिद्ध है, जिसको आप धारण कर सुखी और संपन्न होते चले जाएंगे। आपके शत्रुओं का नाश होता चला जाएगा और संसार में आपका नाम ही होगा। जिधर भी आप जाएंगे वहां आपको यश कीर्ति की प्राप्ति होती चली जाएगी। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी और आप इससे लाभ लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में, अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारों में, जिससे उनको भी इसका लाभ हो। अगर कोई इस लॉकेट को हमसे बनवाना चाहता है तो हमसे वो संपर्क कर सकता है।
और जो अनुदान राशि है उसको देकर, सहयोग राशि देकर इस लॉकेट का निर्माण हमसे करवा सकता है, और नहीं तो वो अपने किसी विद्वान पंडित से भी इस लॉकेट का निर्माण करवाकर इसको धारण कर सकता है। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई साधना लेकर। जब तक आप करें इंतजार, राधे राधे।